हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आपने देखा ही होगा आज मार्केट ने फिर से एक ऑल टाइम हाई लेवल को टच कर लिया है 26,000 का, और उसके बाद मार्केट में हमें थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है। जनरली जब मार्केट ऐसे ऑल टाइम हाई को टच करता है तो उसके बाद थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आता ही आता है, तो थोड़ा सा कल के प्राइस एक्शन को ज़रूर ध्यान में रखें। लेकिन अगर आप देखेंगे तो आज निफ्टी मेटल में, मतलब मेटल इंडेक्स में काफ़ी अच्छा अपमूव आया है। यहाँ पे हमें 2.97 अराउंड 3% का अपमूव देखने को मिला है। हमने इसको कुछ दिन पहले अराउंड 12 सितंबर को हमने इसको डिस्कस किया था, और हमने बोला था कि ये सेक्टर में ज़रूर कुछ होने वाला है, क्योंकि काफ़ी सारे स्टॉक में हमें बुलिश पैटर्न्स दिख रहे थे, कुछ ऐसे ही डबल बॉटम जैसे स्ट्रक्चर भी दिख रहे थे। और आप देख सकते हैं यहाँ भी मेटल इंडेक्स में भी हमें कुछ सिमिलर पैटर्न दिखा था, और उसके बाद थोड़ा दिन कंसोलिडेट किया है स्टॉक, लेकिन आज हमको यहाँ पे रिजल्ट दिख गया है। और उसके साथ साथ काफ़ी सारे मेटल स्टॉक्स जिनको हमने डिस्कस किया था, जैसे कि जिंदल स्टील, टाटा स्टील, हिंदुस्तान जिंक, नालको, हिंदुस्तान कॉपर, ऐसे काफ़ी सारे स्टॉक में हमें आज अच्छा मूवमेंट देखने को मिला है। चलिए अभी कुछ और अपडेट्स ले लेते हैं। पहला है शले होटल्स। ये स्टॉक को हमने डिस्कस किया था 20 सितंबर को, और आप देख सकते हैं हमें स्टॉक में डिस्कशन के बाद करीब 4.8% का अपमूव देखने को मिला है, और यहाँ पे जो हमारा पहला टारगेट था 920 का, वो अचीव हो गया है। नेक्स्ट है पावर ग्रिड। पावर ग्रिड कॉरपोरेशन को हमने कल ही डिस्कस किया था, और यहाँ पे ब्रेकआउट नहीं आया था। हमने ये स्टॉक को प्री ब्रेकआउट पकड़ने के लिए कोशिश किया था, और आप देख सकते हैं ये स्टॉक में हमें आज ही 2.6% का अपमूव देखने को मिला है। और इसके साथ काफ़ी सारे मेटल स्टॉक्स में, जैसा मैंने बोला, बहुत ही बढ़िया अपमूव आज हमें देखने को मिला है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चलिए जान लेते हैं फिनग्रेड के बारे में। फिनग्रेड एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप फ्री में बहुत सारे कोर्सेस अवेल कर सकते हैं स्टॉक मार्केट के बारे में। यहाँ पे आप कोर्सेज में जाइए और आपको बहुत सारा कोर्स का ऑप्शन मिल जाएगा, और आप फ्री कोर्सेज में अगर जाते हैं उसके अंदर आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाते हैं, जहाँ से आप फ्री में बिल्कुल भी एक भी पैसा पे किए बिना आप अच्छे से स्टॉक मार्केट के बारे में सीख सकते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल में कैंडलस्टिक के बारे में है, फिर ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में है, फिर वैल्यू इन्वेस्टिंग के बारे में है, ऐसे बहुत सारे कोर्स आपको फ्री में मिल जाते हैं। और ऐसा नहीं है कि फ्री में है तो आपको 5-10 मिनट का वीडियो मिलेगा, आपको काफ़ी लंबे लंबे डिटेल्ड वीडियोस भी इसमें मिल जाते हैं 3-4 घंटे। और अगर आप इसको फ्री में अवेल करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा लिंक है, उसके थ्रू जाके आप ये कोर्स को अवेल कर सकते हैं। यहाँ पे आपको सब्सक्रिप्शन का भी ऑप्शन मिलता है, आप पेमेंट करके सब्सक्राइब करके आप और भी इनडेप्थ अगर नॉलेज लेना चाहें वो भी कर सकते हैं। तो चलिए अभी डिस्कस कर लेते हैं हमारे आज के स्टॉक्स। आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे स्टॉक्स के बारे में जिनमें ब्रेकआउट आ चुका है, और आज भी एक ऐसा स्टॉक डिस्कस करेंगे जो अभी प्री ब्रेकआउट के कंडीशन में है, तो प्लीज़ वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। पहला स्टॉक है टाटा स्टील, इसको भी हमने 12 सितंबर को ही डिस्कस किया था। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं 12 सितंबर को हमारे डिस्कशन के बाद स्टॉक में थोड़ा सा कंसोलिडेशन हुआ है, और फाइनली आज हमें ये जो 154 का लेवल था, इस लेवल से एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट मिला है। और आप ये भी देख सकते हैं यहाँ पे वॉल्यूम भी काफ़ी बढ़िया है आज स्टॉक का, तो आज ही हमें स्टॉक में 4.25% का एक अपमूव मिल गया है। तो यहाँ पे स्टॉक में अपना एंट्री कैसे प्लान करना है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे नोटिस कर सकते हैं, अगर ये मैं इस लेवल पे एक जोन ड्रॉ करूँ तो आप देखेंगे स्टॉक अभी एक इमीडिएट रेजिस्टेंस के लेवल पे है, मतलब ये जो 160 का लेवल है ये स्टॉक के लिए एक इमीडिएट रेजिस्टेंस है। तो इस लेवल से अगर स्टॉक में थोड़ा सा रिटेस्ट होता है, मतलब स्टॉक थोड़ा सा नीचे आता है 155 के लेवल के आसपास, तो वो मेरा बेस्ट लेवल होगा एंट्री का, क्योंकि एक तो आज स्टॉक में इतना बड़ा मूवमेंट आया है, और दूसरा मार्केट में फिर से ऑल टाइम हाई टच हुआ है, और ऑल टाइम हाई टच होने के बाद मार्केट में थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग होता है। तो अगर स्टॉक में थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग हमें दिखता है, स्टॉक थोड़ा नीचे आता है, तो यहाँ पे जो 155 का लेवल है ये हमारा बेस्ट लेवल है एंट्री करने के लिए। लेकिन इनकेस स्टॉक में मोमेंटम अच्छा रहता है और स्टॉक यहीं से अपमूव करने की कोशिश करता है, तो स्टॉक में अगर ये 160 के लेवल से एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट हमें देखने को मिलता है, और स्टॉक फिर से ये जो 160 का लेवल है इसको सपोर्ट की तरह लेता है, तो हम यहाँ पे एक और एंट्री प्लान कर सकते हैं। और उस केस में हमारा जो पहला टारगेट रहेगा वो 170 के आसपास का रहेगा, और उसके बाद 178-180 के आसपास का, और इवेंचुअल टारगेट अराउंड 185 के आसपास का रहेगा। नेक्स्ट स्टॉक है NMDC।
स्टॉक को हम डेली टाइम फ्रेम में देख रहे हैं और यहाँ पे अगर मैं एक 20 EMA प्लॉट करूँ तो आप नोटिस करेंगे स्टॉक ये जो 20 EMA को कंटिन्यूसली रेजिस्टेंस की तरह लेता हुआ आ रहा था और आज हमें स्टॉक में ये 20 EMA से एक डिसाइसिव ब्रेकआउट भी देखने को मिला है। और यहाँ पे अगर हम नोटिस करें तो ये जो एक स्टॉक कंटिन्यूस डाउन ट्रेंड में चल रहा था, देखिए लोअर लोज बनते चले जा रहे थे स्टॉक में, लोअर लोज लोअर हाइज बनते चले जा रहे थे, उसमें अभी यहाँ तक लोअर लो बन रहा था और इस पॉइंट से स्टॉक में लो ब्रेक हुआ है और यहाँ पे आज हाई भी ब्रेक हो गया है स्टॉक में। तो स्टॉक में यहाँ पे जो कंटिन्यूस डाउन ट्रेंड था वो अभी ब्रेक हो गया है, तो मुझे लग रहा है स्टॉक में कुछ अच्छा मूवमेंट यहाँ पे आ सकता है। तो अगर 225 का ये हाई ब्रेक होता है तो मैं यहाँ पे अपना एंट्री प्लान करूँगी, और उस केस में अगर छोटा स्टॉप लॉस प्लान करना चाहें तो ये जो 20 EMA का लेवल है, मतलब 216 के आसपास का लेवल मेरा एक स्टॉप लॉस हो जाएगा। लेकिन अगर प्रॉपर स्टॉप लॉस की बात करें तो प्रॉपर स्टॉप लॉस 205 से थोड़ा नीचे रहेगा। और यहाँ पे अगर मैं टारगेट की बात करूँ, ऐसे तो हमें इवेंचुअल टारगेट 287 तक का मिल सकता है, लेकिन ये जो सारे लोअर हाइज हमें दिख रहे हैं 230 के लेवल पे, 245 के लेवल पे, 254 के लेवल पे और 275 के लेवल पे, तो ये जो सारे लोअर हाइज हैं ये सारे हमारे एक एक टारगेट्स हो सकते हैं और पोटेंशियल रेजिस्टेंसेस भी। तो ये लेवल्स को ध्यान में रख के आप अपना ट्रेड प्लान कर सकते हैं। नेक्स्ट है वेसुवियस इंडिया लिमिटेड। स्टॉक को हम डेली टाइम फ्रेम में देख रहे हैं और आप देख सकते हैं ये जो एक मैंने बॉक्स ड्रॉ किया है, स्टॉक कंटिन्यूसली इस बॉक्स के अंदर ही चल रहा था। यहाँ पे करीब मई 2024 से स्टॉक इसी बॉक्स के अंदर ही कंसोलिडेट कर रहा था, जिसमें हमें कल ये ब्रेकआउट देखने को मिला है। और वो भी आप अगर नोटिस करेंगे ब्रेकआउट के पहले दिन और कल के ब्रेकआउट के दिन, हमें दोनों दिन यहाँ पे काफ़ी अच्छे वॉल्यूम देखने को मिले हैं। उसके बाद अगर आप नोटिस करेंगे आज का जो कैंडल बना है, यहाँ पे स्टॉक में थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग हुई है, लेकिन ये कैंडल में आप अगर नोटिस करेंगे वॉल्यूम बिल्कुल भी नहीं है, काफ़ी कम वॉल्यूम है। और अगर हम RSI को भी देखेंगे तो RSI भी 60+ ही चल रहा है, प्रॉफिट बुकिंग में थोड़ा नीचे आया है लेकिन अभी भी 65 के आसपास ही है। तो स्टॉक अगर हमें थोड़ा और डिप में मिलता है, मतलब ये जो 5600 का लेवल है इसके आसपास हमें मिलता है तो ये एक बेस्ट लेवल रहेगा हमारे एंट्री के लिए। या फिर अगर ये हाई ब्रेक होता है, मतलब 5980 का ये अगर हाई ब्रेक होता है तो भी हम अपना एंट्री प्लान कर सकते हैं। तो अगर डिप में मिलता है 5600 के आसपास तो 5980 का हमारा पहला टारगेट हो जाएगा। और अगर नेक्स्ट टारगेट की बात करें तो ये जो हमने बॉक्स ड्रॉ किया है इसके डेप्थ को लेंगे और इसको हम ये रेजिस्टेंस के लेवल के ऊपर अगर पुट कर देंगे तो 6320 तक का हमें अगला टारगेट मिल सकता है। नेक्स्ट स्टॉक है हिंडाल्को। इसको हम अभी देख रहे हैं डेली टाइम फ्रेम में। यहाँ पे हम देख सकते हैं स्टॉक ये एक रेंज बाउंड होके कंसोलिडेट कर रहा था और इस लेवल से अभी ब्रेकआउट करने की कोशिश कर रहा है। मतलब अगर हम नोटिस करेंगे ये जो हमने ड्रॉ किया है 714-715 का लेवल, इस लेवल से थोड़ा सा ऊपर हमें आज ये क्लोजिंग देखने को मिला है। अगर आप यहाँ पे नोटिस करेंगे तो ये पूरा जो कंसोलिडेशन जोन है, इस पूरे कंसोलिडेशन में ये आज के कैंडल में हमें हाईएस्ट क्लोजिंग मिला है। यहाँ पे अगर हम नोटिस करेंगे ये एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर जैसा पैटर्न भी यहाँ पे बना रहा है। आज का अगर आप वॉल्यूम देखेंगे तो काफ़ी अच्छा वॉल्यूम यहाँ पे हमें देखने को मिला है। और RSI की बात करें तो RSI भी 60+ से चल रहा है। तो अगर ये जो 714-715 का हमारा रेजिस्टेंस का लेवल है, इस लेवल से अगर एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट हमें देखने को मिलता है तो यहाँ पे हम अपना एंट्री प्लान कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं आपका ट्रेड जो है वो थोड़ा सा लेस रिस्की हो तो आप पूरा स्टॉक में प्रॉपरली ब्रेकआउट के बाद रिटेस्ट के लिए वेट कर सकते हैं और उसके बाद आप अपना ट्रेड प्लान कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है GHCL। GHCL को हम पहले वीकली टाइम फ्रेम में देख रहे हैं और वीकली टाइम फ्रेम में हम ये देख सकते हैं कि स्टॉक ये एक पैरेलल चैनल में कंसोलिडेट कर रहा था करीब फरवरी 2022 से, दो साल के बाद जुलाई 2024 में हमें इस लेवल से एक ब्रेकआउट देखने को मिला है और ब्रेकआउट के बाद स्टॉक अभी इसी लेवल के आसपास अभी रिटेस्ट कर रहा है। चलिए स्टॉक को अभी डेली टाइम फ्रेम में देख लेते हैं। डेली टाइम फ्रेम में हम सेम चीज़ नोटिस कर सकते हैं, यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है, ब्रेकआउट के बाद स्टॉक अभी रिटेस्ट के लेवल के आसपास ट्रेड कर रहा है यहाँ पे। लेकिन अगर हम RSI को देखेंगे तो आप नोटिस कर सकते हैं
कि जब भी RSI 40 को टच किया है उसके बाद RSI में एक स्ट्रॉन्ग बाउंस बैक हमें देखने को मिला है। तो अभी भी आप देख सकते हैं यहाँ पे RSI 40 को टच करके अप मूव कर रहा है। यहाँ पे हम देख सकते हैं ये जो 615 का लेवल है ये हमारा ब्रेकआउट का लेवल है और यहाँ पे स्टॉक ने काफ़ी समय कंसोलिडेट किया है और उसके बाद स्टॉक में हमें ये ब्रेकआउट देखने को मिला है। तो मुझे लग रहा है कि स्टॉक अभी यहाँ पे ये जो 615 का लेवल है इसको थोड़ा रेस्पेक्ट कर सकता है और यहीं से सपोर्ट लेके अप मूव कर सकता है। तो अगर स्टॉक में ये 650 का हाई ब्रेक होता है, 650-655 का हाई ब्रेक होता है तो हम अपना एंट्री प्लान कर सकते हैं और उस केस में हमारा जो पहला टारगेट यहाँ पे होगा वो 714 के लेवल पे रहेगा। यहाँ पे हम एक और चीज़ भी नोटिस कर सकते हैं अगर वीकली टाइम फ्रेम में देखें तो। अगर मैं यहाँ पे कुछ ऐसा ट्रेंड लाइन ड्रॉ करूँ तो आप देखेंगे ये एक पोल एंड फ्लैग जैसे स्ट्रक्चर का भी ब्रेकआउट है। तो यहाँ पे हमें आगे ये जो पोल का लेंथ है ये हमें एक टारगेट की तरह मिल सकता है। तो इसको अगर हम यहाँ पे पुट करेंगे तो हमें 1072 के लेवल तक का एक टारगेट यहाँ पे मिल सकता है। लेकिन अगर हम इतना बड़ा टारगेट को प्लान कर रहे हैं तो उस हिसाब से हमको थोड़ा टाइम भी यहाँ पे लग सकता है टारगेट अचीव होने में। सो ये ट्रेडिंग के लिए नहीं, ये एक काइंड ऑफ पोजिशनल ट्रेड हो सकता है। नेक्स्ट स्टॉक है अदानी पावर। तो ये हमारा आज का प्री ब्रेकआउट स्टॉक है क्योंकि काफ़ी लोग चाहते हैं स्टॉक को ब्रेकआउट से पहले पकड़ने के लिए, इसलिए मैं कुछ प्री ब्रेकआउट स्टॉक को भी आइडेंटिफाई करती हूँ ताकि आप इनको अपने ट्रैक में रख सकें। तो ये स्टॉक में अभी तुरंत बाय तो नहीं है लेकिन इसको हम अपने वॉच लिस्ट में रख सकते हैं और कुछ अच्छा जब हमें यहाँ पे पोजीशन मिलेगा, कुछ अच्छा सेटअप मिलेगा, हम यहाँ पे अपना ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो आज हम इसको क्यों डिस्कस कर रहे हैं चलिए वो देख लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम देख सकते हैं इस लेवल पे ये एक राउंडिंग बॉटम जैसा पैटर्न यहाँ पे बन रहा है। उसके साथ साथ अगर मैं यहाँ पे एक पाथ ड्रॉ करूँ तो आप देखेंगे ये एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का पैटर्न जैसा भी बन रहा है और यहाँ पे ये पूरा जो कंसोलिडेशन है इस लेवल पे, अगर मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करूँ 670 के आसपास का तो आप देखेंगे ये पूरे कंसोलिडेशन में ये हमें सबसे हाईएस्ट क्लोजिंग यहाँ पे देखने को मिला है। देखिए ये हमारा सबसे हाईएस्ट क्लोजिंग है आज का। तो यहाँ पे अगर प्राइस एक्शन सही बैठता है तो 637 से थोड़ा नीचे का एक स्टॉप लॉस प्लान करके हम यहाँ पे अपना एंट्री प्लान कर सकते हैं और उस केस में हमें इमीडिएट टारगेट जो मिलेगा वो 707 के लेवल के आसपास का मिलेगा जो कि हमारा पहला रेजिस्टेंस का लेवल भी है और उसके बाद हमें टारगेट मिलेगा 750 के आसपास का। लेकिन ये स्टॉक में जैसा कि मैंने बोला तुरंत बाइंग नहीं है, आप चाहें तो ले सकते हैं प्री ब्रेकआउट स्टॉक को, आप चाहें तो स्टॉक को प्री ब्रेकआउट भी ले सकते हैं। लेकिन अगर भी आप यहाँ पर अपना एंट्री कर रहे हैं तो प्रॉपर एनालिसिस के साथ करें, प्रॉपर कन्विक्शन से करें या फिर अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह से। सो ये तो हो गए हमारे आज के सारे स्टॉक्स के एनालिसिस। आपको हमारा आज का एनालिसिस कैसा लगा हमें कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा और अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ऐसे ही और टेक्निकल एनालिसिस के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।